हेलो गाइस, ये स्टोरी बहुत अलग है। चलो इसका पहले फुल रिव्यू जानते हैं। कहानी है किस बारे में? हमारी हीरोइन एक कम एज की गर्ल थी, मतलब लड़की, एंड हमारा हीरो एक मतलब हाईएस्ट एंड बिजनेस मैन। इस हीरो में मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं जानती। स्टार्टिंग में बात है कि हमारी हीरोइन एक गांव की है, राजस्थान की, एंड वो चली जाती है अपने दूर के कहीं रिश्तेदार के घर में। एंड वो उनकी जो बड़ी मतलब बहन है, वही ये सारी मुसीबतों का जड़ है कि वो किस टाइप से मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब वो एक डॉक्टर की हेल्प से वो जो है वो हमारी हीरोइन के पेट में डाल देती है। एंड जब मतलब हमारा हीरो का मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से सिचुएशन है, ये आप मुझे पता ही नहीं भैया। बहुत एकदम ये स्टोरी का रिव्यू किसी ने नहीं दिया होगा आपको। मैंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला ही नहीं। चलो अब जानते हैं कहानी में बात क्या है। अब देखो, यहाँ से शुरुआत होती है असली प्रॉब्लम। बात यह है कि हमारी हीरोइन एक मतलब कम एज की लड़की है, एंड गांव में तो आप जानते ही हैं, जब अगर मतलब कोई औरत जब छू के मतलब दूसरी औरत जो हाथ छू के मतलब बहुत ओल्ड एज औरत अगर हाथ छू के बता दे कि अगर प्रेगनेंट है, तो वहाँ के लोग किस टाइप से व्यवहार करते, वही बात है। एंड हमारी हीरोइन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। अब वहाँ से वो मतलब उनकी मम्मी पापा भी हेल्प नहीं करते, तो वो चली जाती है दिल्ली या कहीं बाहर, मतलब कुछ सम पैसे दे के मतलब वो चली मतलब उन्हें दे देते हैं एंड वो चली जाती। एंड वहाँ वो एक इतनी कम एज की, तो वो वहाँ एक गार्डन में रुकती है, एंड वहीं उनकी हेल्प करती है एक औरत जब वो मुसीबत में रहती है। एंड आगे आपको पता चलेगा कि ये शायद ट्विंस बेबी है। कितनी अच्छी बात है, स्टोरी मज़ा ही आ जाएगा यार। पर क्या कनेक्शन है, एंड किस टाइप से हमारे क्या हीरो और हीरोइन मिल पाएंगे, एंड क्या उन्हें पता चलेगा। एंड आपको फिर इसके बाद मतलब दिखाया जाएगा कि वो जो जो जिस लड़ मतलब जिस दीदी का मतलब मैं बोल रही थी ना, हमारी हीरोइन जिस लड़की के घर गई थी मतलब अपने रिश्तेदार के, वही लड़की अब वो किसी और के बच्चे की प्रेग्नेंट है, तो वो कर नहीं सकती थी ना, मतलब उन लोग पैसे लेके किए थे, इस टाइप की मसले वाली बात है। एंड जब वो मतलब हमारे जो हीरो की जो भी मतलब हमारे हीरो को जब पता चलती है कि ये प्रेग्नेंट है, तो वो बोलते कि तुम चलो, तो वो शर्त रख देती कि मैं शादी करूँगी। तो मतलब इन लोग पैसे कितने लालची, पूछो मत। हमारी हीरोइन तो अभी मतलब उनसे दूरी है, फिर भी अभी जो मतलब जिस हमारी जो विलन वाली कैटेगरी है, हम लोग अब विलन जो है वो दीदी को बोलते हैं, मतलब जो हमारी हीरोइन जिस रिश्तेदार के घर गई थी वो लड़की को, ठीक वही है विलन वाली पूरा। एंड इतनी पैसे की पागल है, पूछे मत यार। अब क्या हमारे हीरो को पता चल पाएगा? बहुत कंफ्यूजिंग अमेजिंग स्टोरी है, पर बहुत डिफ़िकल्ट टाइप मुझे लग रही है। आपकी मर्ज़ी, सुनना ना सुनना। एंड फुल रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।